नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। ये क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं आप? हम लोगों का जो है पिछले 2 अगस्त से रेल पार गरुई नदी की सफाई का अभियान को लेकर के हम लोगों का जो है सिग्नेचर कंपाइन चल रहा है, और पूरे रेल पार इलाके में, खास करके रेल पार में जितने भी वार्ड है, 22 नंबर वार्ड से लेकर के 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 डंगाल का जो इलाका है और घाघरबूढ़ी मंदिर तक, यानी कल्याणपुर हाउसिंग से लेकर घाघरबूढ़ी मंदिर तक, हम लोग चाहते हैं कि नदी के आसपास में रहने वाले और पूरे रेल पार लोगों का जो है सिग्नेचर कंपाइन करा करके हम लोग नदी का सफाई को लेकर के डिमांड कर रहे हैं। और इसका हम लोग सिग्नेचर कराने के बाद आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन जनाब अमरनाथ चटर्जी साहब को, प्लस यहाँ के जो मंत्री जी हैं मलय खट्टक जी, उनको देंगे और कॉपी टू करके सीएम के पास पहुँचाएंगे। इसलिए कि अक्सर 5-6 घंटा का जब बारिश होता है, ऐसे बारिश में जो है ये रेल पार का इलाका, ये जो नदी का इलाका है, पूरा भर जाता है। यहाँ के रहने वाले आसपास के लोगों के घरों में जो है पानी चला जाता है, उनके दुकानों में पानी चला जाता है। यहाँ तक ऐसा होता है कि घर में जो है पानी के वजह कर उन लोगों को बहुत परेशानी और सामान का नुकसान हो जाता है। इसके अलावा अभी जो हम खड़े हैं वार्ड नंबर 28 के फजलू ब्रिज पे, देख सकते हैं ये ब्रिज का ऊपर से जो है पानी जाता है। यहाँ पर जो ब्रिज का हाल है, बहुत सारा टूटा फूटा हुआ हाल है। ये सामने में ब्रिज में जो रेलिंग किया हुआ है, देखिए वो टूटा हुआ रेलिंग है। और ये सब इलाका जो है ये पूरा पानी से भर जाता है। अफसोस इस बात का है कि वहाँ पर देख रहे हैं कि एक पिछला 2020 में 50 लाख के लागत से कॉरपोरेशन की ओर से जो है एक लाइब्रेरी बनाया गया, लेकिन लाइब्रेरी को अभी तक जो है उद्घाटन नहीं किया गया है। जबकि एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब यहाँ पे पानी आता है तो पानी के वजह कर लोगों के घरों में पानी चला जाता है और बड़ा घटना हो जाता है। और इस घटना के तहत यहाँ पे जब कोई घटना हो जाता है, यहाँ के लीडरशिप जो टीएमसी के कर रहे हैं या मंत्री जी जो है उनके घरों तक पहुँचते हैं उनको मौजा देने के लिए। मुझे अफसोस है कि मौजा देने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ज़रूरत तो ये होता है कि मौजा देने की आपको ज़रूरत ही क्यों पड़ती। अगर ये साफ सफाई होता, अगर ये नदी का जो इलाका है ये कटा हुआ है, जगह जगह रेलिंग जो कटा हुआ है, इसी यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे लोगों का जो है गुजर होता है, यहाँ पे महिलाओं का गुजर होता है, इस काम को अगर करा दिया जाता तो शायद बड़े घटनों से जो है बचाया जा सकता है। इसलिए ये भी रेलिंग जो है टूटा हुआ है, जबकि ये बिल्कुल बीचम बीच में है, नदी के बीचम बीच में है, ये ब्रिज पे है, और ये किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, लेकिन अफसोस कि या तो यहाँ के कॉरपोरेशन उनको देख रहे हैं ना यहाँ के मिनिस्टर जी जो है वो देख रहे हैं। इसलिए रेल पार के लोगों ने, रेल पार के आवाम ने बेस्टोक होकर उन्हें अपना कीमती वोट दिया था, तो क्या वोट देने का ये सिला है कि आज भी रेल पार के लोग घुट घुट करके मर रहे हैं? यहाँ के लोग सफाई चाहते हैं, साफ सुथरा चाहते हैं, नदी की चौड़ाई चाहते हैं, गहराई चाहते हैं, और रेल पार में बहुत सारा इलाका, रोड का जो इलाका है कटा छटा इलाका है, बहुत परेशानी का संभावना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे रेल पार में ये हम लोगों का सिग्नेचर कंपाइन चल रहा है, आप भी जो है इस आंदोलन में जुड़ें, और आने वाले दिनों में हम लोग इस डिमांड को लेकर के पूरे कॉरपोरेशन तक के जो हम लोग पहुँचेंगे और ये बड़ा आंदोलन करेंगे कि जल्द से जल्द जो है इसको ध्यान दिया जाए, सफाई चौड़ाई और इसको गहराई किया जाए।